अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी को कुसुम का नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट ये बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी पालक लिया है, जिसे कि मैंने एकदम अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़े मिट्टी भी रहते हैं, इसलिए आप इसे एकदम अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने पालक को एकदम अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लिया था। तो चलिए अब मैं इसे बॉईल करना दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने पानी को एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इस पे मैं अपने सारे पालक डाल दूँगी। पालक डालने के बाद सिर्फ 5 से 6 मिनट में आप देखोगे तो सारे पालक एकदम अच्छी तरह से गल जाएंगे। और जैसे ही पालक आपके सारे एकदम अच्छी तरह से गल जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग सारे पालक को एक अच्छे से बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए हम सारे पालक को एकदम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा पालक निकाल लिया है और अब मैं इस पे डाल दूँगी एकदम ठंडा पानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो मैं इस पे एकदम ठंडा पानी डाल दूँगी, जिससे कि हमारे पालक फटाक से ठंडे हो जाएँ। और ये प्रोसेस आप इसलिए करने भी बोल रही हूँ ना मैं, इससे क्या होगा ना, जो हमारा पालक है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, ज़्यादा ब्लैक टाइप से नहीं दिखेगा सब्ज़ी आपका, एकदम ग्रीन दिखेगा। पालक पनीर एकदम ग्रीन रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो एकदम ग्रीन दिखेगा। तो यहाँ पे पालक बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग एक मिक्सर जार लेते हैं और उसमें ये पालक सारे डाल देते हैं। और इसमें डालने के बाद इसका एकदम अच्छा से एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसका एकदम अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका एकदम फ़ाइन पेस्ट बना करके एक बॉल में ले लिया है, और एकदम अच्छी तरह से बनाइएगा, उसमें कोई भी टुकड़े नहीं रहने चाहिए पालक के। और यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, ये पनीर करीब 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट किया है। आप अपने हिसाब से इसका पीस कट कर सकते हो, आपको जितना बड़ा छोटा चाहिए। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, तो थोड़ा सा बड़ा था प्याज, पर मीडियम साइज़ से थोड़ा बड़ा ही था प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था, जिसे मैंने एकदम छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। एक टमाटर लिया है, जिसे भी मैंने एकदम छोटे से पीस में कट कर लिया, एकदम छोटे छोटे पीस में कट करो, सारी चीज़ छोटे छोटे पीस में ही कट करना आप। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, बड़े वाले चम्मच, जैसे हम नॉर्मल घर पे खाना खाते हैं ना वो चम्मच से, मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इधर यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच भर करके लाल वाली मिर्च पाउडर, एकदम लाल वाली जो तीखी वाली होती है वो। 1 चम्मच लिया है जीरा पाउडर, जीरा, खड़ा जीरा, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है 6 से 7। ये थोड़ा सा लिया है हल्दी पाउडर, एकदम ज़रा से पिंच भर है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, और क्योंकि इस पर ना नहीं तो आपका क्या होगा ना, पालक का जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए हल्दी एकदम पिंच भर डालिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिए। ये थोड़ा सा है गरम मसाला, ये 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, आपको जितना नमक यूज़ होने लगता है उतना ही लीजिए। और पालक पनीर बनाते समय आप थोड़ा सा चक करके बना लीजिए। और यहाँ पर लिया है मैंने ज़रा सा पानी, जितना यूज़ होगा उतना यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना। तो फ्राई पैन एकदम अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, अब हम लोग इस पे डाल देते हैं तेल, और तेल डालने के बाद तेल को भी हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, हम लोग इस पे डाल देंगे जीरा, और जीरा को हल्का सा भुनेंगे। जैसे ही जीरा हल्का सा भुन जाएगा, फिर हम लोग इस पे डाल देंगे मिर्ची, और मिर्ची को भी हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही मिर्ची और जीरा हल्का सा भुन जाएगा ना, उस पर हम लोग इस पे डाल देंगे प्याज, और प्याज को डालने के बाद हम लोग को प्याज को एकदम अच्छी तरह से ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है पर एकदम ब्राउन करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का मसाला इस पर क्या डालना है मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज को मैंने एकदम अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया, और इस पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इसे एकदम अच्छी तरह से भूनूंगी, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है ना वो सारा निकल जाना चाहिए, क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन जल्दी निकलता नहीं, इसलिए अब थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से भुने उसे। तो देखिए जैसे कि मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से भून लिया है, और अब मैं इस पे डालूंगी अपने मसाले, जो भी मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सारे मसाले डाल दूंगी मैं इस पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा जो मिर्ची पाउडर था वो, ये गरम मसाला,
और थोड़ा सा हल्दी, और इसे डाल के मैं एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और एकदम ज़्यादा जला मत दीजिएगा आप, हल्का हल्का ही भुनेंगे ना तो ही रहते हैं। और इस पे डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद ना हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि टमाटर जल्दी गलता नहीं है इसीलिए। तो जैसे ही टमाटर हल्का सा मसालों के साथ मिक्स हो जाता है ना, हम इस पे डाल देंगे एकदम अच्छे से नमक। जैसे आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितना नमक खाना है उस हिसाब से, कहीं ज़्यादा नमक मत डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, और नमक डाल के मैं इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अपने थोड़ा सा मैं इस पर डाल दूंगी पानी, कि जिससे कि मेरे टमाटर जो हैं वो एकदम अच्छी तरह से गल जाएं। तो मैंने इस पर पानी डाल दिया, और इसे मैं 2 से 3 मिनट पकने दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद ये हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं, और सारे मसाले पक करके रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इस पर डाल दूंगी अपने पालक की जो प्यूरी मैंने बना के रखे थे वो। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, और आप देख सकते हैं पालक में कितना अच्छा सा ग्रीन सा कलर आया है। ये क्यों आया पता है? क्योंकि हमने पालक को फटाक से पकाया था, और उस पर जो ठंडा पानी डाला था ना, इसकी वजह से। तो चलिए हम इसे 5 मिनट पका लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, और आप देख सकते हो इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। जैसे ही मसाला और पालक को ना, पालक जैसे ही आप डालते हो ना प्यूरी, तो उसे थोड़ा सा पकने दीजिए। इसे पकने से ना बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है, और मसाले और पालक अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो यहाँ पे पालक एकदम अच्छी तरह से पक गया था मेरा, और मैं इस पर डाल दे रही हूँ पनीर। तो पनीर यहाँ पे मैंने भुना नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, मैं कच्चा पनीर ही डायरेक्ट डाल रही हूँ इस पर, क्योंकि ये जो कच्चा पनीर का टेस्ट है ना, वो पालक में बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरह से पालक पनीर में, तो आपको भी पसंद आ जाएगा कि हाँ कच्चा पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पनीर को डाल दिया इस पर, और पनीर और पालक को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद ना मैं इसे करीब 5 से 6 मिनट ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। 5 से 6 मिनट आप पका लो इसे, जिससे कि पनीर में ना सारे मसालों के फ्लेवर आ जाए। और आपको अगर थोड़ा सा भी ठीक लगता है ना, तो आप इस पर पानी ही डाल सकते हो। तो पर मैं इस पर पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे बराबर लग रहा है। तो और मैं इसे ढक देती हूँ, और 5 से 6 मिनट में इसे और पकने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 से 6 मिनट बाद। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पालक पनीर कैसा बना। तो आप देख सकते हो मेरा पालक पनीर तो बन के बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। तो आप भी इस तरह से पालक पनीर अपने घर पे बना सकते हैं, अगर जैसा भी मैंने बताया है आप उस तरह से फॉलो करें, और आप कि पालक पनीर भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ एक ही बार में आदमी परफेक्ट नहीं बना पाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए गैस को कर देते हैं ऑफ, और इसे हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे पालक पनीर को प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपने सारे पालक पनीर को प्लेट में निकाल लीजिए, और इसके ऊपर ना हम लोग थोड़ा सा कद्दूकस कर देंगे, कच्चा पनीर का ना जो पनीर है उसे थोड़ा सा कद्दूकस कर देंगे, जिससे ना हमारे पनीर देखने में और भी अच्छा लगे पालक पनीर। तो और इस तरह से जब आप सर्व करोगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जो भी देखेगा बोलेगा कि आप पालक पनीर बनाया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर